अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ मैथमेटिक लेक्चर सीरीज में हाजिर हैं। बोर्ड मास आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ही अहम होते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास को मैं इस अंदाज से आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। अब बी से क्या मुराद है हमारे यहां, ब्रैकेटों के लिए हम जाहिर करता है। हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं, छोटी, दरमियानी और बड़ी। ओ से मुराद ऑफ का, यानी कि ओ से मुराद हम यही ले सकते हैं। और तकसीम के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो डिवाइड तकसीम के लिए इस्तेमाल होगा। और एम से मुराद मल्टीप्लाई, जरूरत के लिए। और ए से मुराद एडिशन, जमा के लिए। और एस से मुराद सब्सट्रैक्शन, तफरीक के लिए। यानी कि हमने अगर नंबर्स को, इन तमाम अवामिल को यकजा करके हल करना हो, इन जो तमाम जो ये जो फैक्टर दिए गए हैं तो इनको यकजा करके जब हल करना हो तो वो तरीका कौन सा है। नंबर्स यकजा भी एक साथ भी हल हो सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमने याद रखो कि हमने ब्रैकेट से शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद जितनी भी ब्रैकेट्स हैं, छोटे ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद हम तकसीम का जो अमल है उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम ज़र्ब का अमल अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम जमा का, और लास्ट में जो है हम तफरीक का अमल अप्लाई करेंगे। तो यकीनन इसी चीज को बोर्ड मास कहा जाता है। ये मेथड हमने अप्लाई करना है कि अगर नंबर एक साथ आ जाएं तो उनको हमने किस तरह हल करना है। नंबर एक साथ आ जाएं और ये जितने भी फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं, अगर वो भी उनके अंदर मतलब आ जाते हैं तो सबसे पहले हमने यही जो तरीका मैंने लिखा हुआ है इसी तरीके को वन बाय वन करके मतलब वहां पर अप्लाई करेंगे। इसी तरह हमारा जो है कोई भी क्वेश्चन होगा वो हल हो जाएगा। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल है हमारे पास 12, एक हमारे पास नंबर है, प्लस 18। अब हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के हवाले से हम इसको हल कर रहे हैं। पहले मिसाल में छोटी ब्रैकेट से ही दे रहा हूं, सॉरी, इसको हमने 12 प्लस, अच्छा ये प्लस ही डालनी है हमने अंदर, 3, और लास्ट में मैंने यहां पर रखा है तकसीम जो है तो मैंने 7 कर दिया है। अब वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमने किसको, ब्रैकेट्स को खत्म करना है। ब्रैकेट्स को बोर्ड मास के ही तरीके से, क्योंकि हमारे पास अब ब्रैकेट्स हैं तो 12 प्लस इनको जमा करना है हमने आपस में, 21 बन जाता है, और उसके बाद तकसीम 7। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हम ब्रैकेट्स को मतलब हल करेंगे तो उसके बाद हमने डिवाइड का अमल अप्लाई करना है। डिवाइड यानी कि तकसीम का अमल अप्लाई करना है। तो हमने ये चीज वही लिखनी है जिस तरह है, 12 जमा। अब इसको हमने अगर आपस में तकसीम करेंगे तो ये होगा 21 कट जाएगा आपस में, फिर यहां पर ये बन जाएगा 3। अब इन दोनों नंबर्स को आपस में हमने जमा करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, बोर्ड मास के मेथड के मुताबिक। तो यहां पर ये हो जाएगा 15। तो इसका लिहाजा आंसर क्या है, 15 हो गया, 12 जमा 3 15 हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा 15। आपके एग्जाम में इसी तरह के सवाल आ सकते हैं, वहां पर फिर ऑप्शन होंगे कि इसका जवाब 15 है, इसका जवाब 14 है, इसका जवाब 12 है। सो यहां पर ये कंफ्यूजन होगी कि अगर किसी को बोर्ड मास का तरीका पता होगा तो वो उसको हल करेगा रफ पे पहले, फिर उसके बाद 15 का वो। इसमें अभी आप कोई ना रट्टा लगा सकते हैं,
ना कोई इसमें तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। आपको कैसे पता चले कि इसमें 14 सही है, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। सो मरहला वन में हमने ब्रैकेट को खत्म किया, वहां पे 18 जमा 3 उसको हमने हल वो किया, 21 बना। मरहला दो में हमने तकसीम का अमल किया, मरहला तीन में हमने उनको जमा करके उसका जवाब निकाला। सो ये बोर्ड मास का तरीका है। इसी तरह अगर अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है जिसको हमने इसमें तीनों ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके इसको हल करना, सॉल्व करना। इससे पहले हमने पढ़ा कि छोटी ब्रैकेट में किस तरह उसको हल किया जाता है, लेकिन यहां पर हमारे पास तीनों यानी कि ब्रैकेट्स हैं, छोटी, दरमियानी और बड़ी। बोर्ड मास अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के सबसे पहले तो हमने छोटी ब्रैकेट को खत्म करना है। सो इस क्वेश्चन को इसी तरह ही हम लिखते आएंगे, लेकिन यहां पर अभी हमने इसको तकसीम के अमल से गुजरना पड़ेगा 90 को 15 के साथ। तो ये होता है 6 से 1 कट जाएगा, 6 × 15 जो है 90 हो जाता है। सो हमारे पास ये हो जाएगा यहां पर 8 − 6 आ जाएगा। हमने वही कंटिन्यू रखना है। अब छोटी ब्रैकेट तो खत्म हो गई लेकिन दरमियानी रहेगी, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई 8 और फिर ये बड़ी ब्रैकेट, फिर वही 43। ये हमारा मरहला वन था जिसमें हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब इसके बाद हमने दरमियानी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब दरमियानी ब्रैकेट में हमने बड़ी ब्रैकेट तो रखेंगे, दरमियानी ब्रैकेट ये है, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वही चीज और 43 हो जाएगा। अब दरमियानी ब्रैकेट भी खत्म, दूसरे मरल में हमने क्या किया कि दरमियानी ब्रैकेट को खत्म किया, 8 और 6 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आया। उसके बाद हमारे पास मरहला 3 है जिसमें हमने बड़ी ब्रैकेट को भी क्या करना है, खत्म कर देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 + 43। अब 16 और 43 को आपस में हमने क्या करना है, 10 को जमा करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। इसी मेथड को हमने अप्लाई करते हुए जो बोर्ड मास का जो मेथड है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, हमने ये क्वेश्चन जो है हल कर लिया। सॉरी 56 नहीं होगा बल्कि 59 होगा, क्योंकि 639 होती है, 59 होगा, 639 और 1 और 4 = 5 हो जाएंगे। सो तीन मरहलों के साथ हमने छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करके इसका जवाब हमने 59 लिखा। आपके हाँ वहां पर जब आएगा तो इसी तरह के ऑप्शन होंगे कि इसका ऑप्शन 59 है, 58 है, 57 है या 56 है। अगर आप लोग इसमें कोई धुक्का या तुक्का या इस तरह की कोई रट्टा नहीं लग सकता है, जब तक आपको बोर्ड मास के तरीके के मुताबिक सवाल को हल करने का तरीका नहीं आएगा, तब तक आप उस पर कोई भी गलत ऑप्शन लगा सकते हैं। जब आप उसको हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें ऑप्शन जो है 59 आएगा। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट मैथमेटिक के लेक्चर के साथ फिर हाजिर हो।